फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बताया कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया, जिससे यूथ और आज का बहुत सारा लोग सफ़र कर रहे हैं, उसमें हम कैसे मेडिटेशन को इनबिल्ट कर सकते हैं, कैसे हम मेडिटेशन की आदत बना सकते हैं, उसके प्रिमिटिव लेवल पे एक टिप हमने बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे हम अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करके एक स्टार्टअप दे सकते हैं अपने आप को रिलैक्स करने का। पर हमने साथ में ये भी कहा था कि हम जिस भी तरीके से किसी भी बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, तो बीमारी आने पे या उसके एक्सट्रीम कंडीशन पे हमें याद नहीं रहेगा कि हमें ऐसा करना था, और जो भी इस तरह का सजेशन देगा वो गलत सजेशन दे रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब आप इस बीमारी से बहुत परेशान होते हैं तो उस समय आपको इमीडिएट ऐसा करना फ़ायदा कर सकता है। तो आप इसके अदर टाइमिंग्स में पूरे दिन इसकी आदत बनाएं। तो ये प्रिमिटिव लेवल का है, उसको समझने के लिए आप मेरा पहला वीडियो देखें। इसके आगे की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेवल का जो मैंने बताया कि आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, मतलब ब्रीदिंग को, ब्रेथ को वॉच करें, अराउंड योर नॉस्ट्रल, अपसाइड डाउन लें। सेकेंडली आपको क्या करना है दोस्तों, सेकेंडली आपको सजेशंस देने हैं। जस्ट अपने आप से ये बोलना है कि आई एम रिमूविंग ऑल माई फियर, आई एम रिमूविंग ऑल माई एंग्जाइटी, आई एम रिमूविंग ऑल माई स्ट्रेस फ्रॉम माई बॉडी, इनसाइड माई बॉडी। यकीन मानिए, एनर्जी फॉलोज थॉट्स, बोलने मात्र से काम होता है। जैसा आप बोलते हैं वैसा ही आप विचार करते हैं, और वैसा ही होता है जैसा आप विचार करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलने से पहले 10 बार सोचें, फिर विचार करने से पहले 10 बार सोचें, और वैसा ही आपके एक्शन में आ जाता है। तो ऐसा जैसा आप बोलेंगे, हम क्या बोल रहे हैं आज के परिवेश में, हम हर किसी से मिल करके बोल रहे हैं कि मैं एंग्जाइटी से परेशान हूँ, मैं स्ट्रेस से परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ। पर करना इसका उल्टा है। अगर हम दिन भर में 4-5 बार ऐसा करें अपने आप से, किसी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई एम रिमूविंग ऑल माई स्ट्रेस, मैं अपने तनाव को बाहर निकाल रहा हूँ, मेरा तनाव बाहर जा रहा है, मेरा तनाव बाहर जा चुका है। फिक्स करें इस थॉट को कि वाकई में ऐसा हो गया है। एनर्जी फॉलोज थॉट, आपकी एनर्जी वैसा ही काम करेगी जैसा आप उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे। ज़रूरत है आपके इंस्ट्रक्शंस की, तो आप इंस्ट्रक्शंस दें अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को, और वो वैसे ही काम करेंगे। तो आपके अंदर इमोशनल एनर्जीज जितनी भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो आपको ट्रबल कर रही हैं, उसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, ग्रिडीनेस, आपका इरिटेशन, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, हर किसी की अपनी अपनी हो सकती हैं, और इसमें आपको किसी को कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी किसी को क्राइंग होता है, किसी को अब्यूज़ होता है, किसी को इरिटेशन होता है, वो सब आप जस्ट बोल करके बाहर निकाल सकते हैं। आई एम रिमूविंग ऑल माई निगेटिविटी फ्रॉम माई बॉडी, ऐसा अपने आप को बोलना पड़ेगा, ऐसा आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है, और आपको इसके लिए सिर्फ अपने आप को तैयार करना है, सिर्फ अपने आप को ऑटो सजेशन देने हैं, बोलना है। लेकिन हमारे फर्स्ट स्टेप के बाद, फर्स्ट स्टेप जो पहला था मेडिटेशन का, फर्स्ट ब्रीदिंग को पे कैसे फोकस करें वो हमने आपको पहले वीडियो में बताया, और अभी ये सेकेंड है। जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करने लग जाएं, तब आप अपने आप को अपनी निगेटिव एनर्जीज को ऑटो सजेशन दें, लाइक I am removing all my fear, I am removing all my anxiety, I am removing all my stress, because हम ये सब उल्टा करते हैं। हम हर किसी से बोलते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मतलब मैं स्ट्रेस ओढ़ रहा हूँ, मैंने स्ट्रेस को कैरी किया हुआ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कह के मैं तनाव में हूँ। तो ऐसा कहना बंद करें, और ऐसा कहें कि मैं अपने तनाव को बाहर निकाल रहा हूँ, मेरा तनाव बाहर जा रहा है। डू इट फिक्स, फिक्स करें, कॉन्फिडेंट रहें कि मेरा तनाव बाहर जा चुका है। एंड नाउ रिलैक्स, ऐसा प्रैक्टिस करें, हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और इसके नेक्स्ट
सीरीज में हम इसका थर्ड स्टेप पे आएंगे, दिस इज सेकंड स्टेप। तो इसकी प्रैक्टिस करें ना सिर्फ उस समय जिस समय एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, अगर आपको उस समय याद आता है सो फॉर सो गुड, अदरवाइज इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन बॉडी को मेंटली फिजिकली अदर टाइमिंग्स में पूरे दिन तैयार करना चाहिए, तब आप इंस्टेंटली आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका अलर्ट माइंड काम करता है जब आप बीमारी की कंडीशन में होते हैं या सीवियर स्ट्रेस और एंग्जाइटी के कंडीशन में होते हैं। तो अभी पहले अपने आप को पूरे दिन के लिए प्रिपेयर करें। मेरा नंबर है 9793849333। थैंक यू।